राजधानी दिल्ली में एक ऐसा पहाड़ है जो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। आमतौर पर पहाड़ों को देखने लोग जाते हैं, लेकिन इस पहाड़ से लोग दूर भागते हैं और जब बगल से गुजरना भी पड़ता है तो नाक बंद कर निकलते हैं। इस पहाड़ के लिए कोर्ट भी कई बार सरकारों को फटकार लगा चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के ढेर से बने पहाड़ की। पूरी दिल्ली NCR के 140 लाख मीट्रिक टन कूड़े से खड़ा करीब 60 मीटर ऊंचाई वाला पहाड़ सरकार के साथ साथ लोगों के लिए भी मुसीबत बन गया है। लेकिन लगता है जल्द ही इस मुसीबत से दिल्ली वासियों को निजात मिलने वाली है, साथ ही इससे दिल्ली की ईस्ट MCD भी मालामाल होने वाली है। इस कूड़े के पहाड़ से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए जर्मन तकनीक से यहाँ की 3 एकड़ जमीन पर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिससे दिल्ली वालों को ईंधन, पानी और बिजली मिल सकेगी। इसके लिए ईस्ट MCD और AG डॉटर्स वेस्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच करार साइन हुआ है। मौके पर मेयर बिपिन बिहारी भी मौजूद रहे। करार के तहत कंपनी 4,480 करोड़ की लागत से अपना प्लांट लगाएगी, तो वहीं ईस्ट MCD कंपनी को सिर्फ 3 एकड़ जमीन और कूड़ा देगी। बदले में MCD को 3% के हिसाब से महीने में 55 करोड़ और सालाना करीब 700 करोड़ रुपए की कमाई होगी। कंपनी रोजाना करीब 200 मीट्रिक टन कूड़ा ट्रीट करेगी, जिससे 50 मेगावाट बिजली बनाने का दावा किया गया है। 20,000 लीटर पानी और 15,000 लीटर जीरो कार्बन वाला ईंधन पैदा किया जाएगा। एक साल बाद रिव्यू करने पर अगर परिणाम अच्छे आए तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को 21 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। कंपनी के MD अजय गिरोत्रा ने बताया कि प्लांट चालू होने के बाद ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे आसपास खुशबू फैल जाएगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।